हम मिल चुके हैं अपने फेवरेट पर्सन से जिनको आप लोग बहुत टाइम से जानते होंगे। सो हियर इज इट। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। सो गाइस, अभी मैं जस्ट नहा कर आया हूँ, ठीक है। अभी जा रहा हूँ मैं कपड़े चेंज करने, क्योंकि मेरे से कोई मिलने आने वाला है आज, तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है व्लॉग ही बने रहो। मैं मिलने जा रहा हूँ तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, आप लोगों से मिलवाऊंगा, आप लोग उन्हें जानते भी अच्छे से। फटाफट से मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, रेडी हो जाता हूँ अच्छे से, फिर यहाँ से निकलेंगे और व्लॉग में आपको मिलते हैं। सो गाइज, फाइनली देखो मैं रेडी हो चुका हूँ बिल्कुल। और गाइज, अभी हम लोग जिनसे मिलने जा रहे हैं, आप लोग उनको जानते हो, मैं बार बार इसलिए ये रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग खुद देख के बोलना। बाकी बहुत दिनों बाद हम मिलने जा रहे हैं। और गाइज, एक चीज़ और आप लोग पूछोगे किंजल का है, तो किंजल गाइज वो जा रखी है अपने किसी दोस्त के पास कुछ करवाने, पता नहीं जो भी है, उसकी भी उसका व्लॉग देख लेना आप लोग। अब हम लोग भी फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। बाकी व्लॉग में बने रहो, जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाई रहा हूँ, मिलते हैं आपको आगे। फटाफट से हम यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज, अभी का सीन ये है कि हम आ चुके हैं लोधी गार्डन में, ठीक है, जहाँ पर मिले थे हम। तो लोधी गार्डन दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे पूरी हरियाली है और मेरे साथ भाई हैं। तो देखो, हमने कैमरा वगैरह सब लेकर आए थे क्योंकि हमने कुछ सोचा है तगड़ा प्रैंक करने का, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, व्लॉग में बने रहो, ठीक है। बाकी जो भी होगा, इसी कैमरे की लुक मिलेगी आपको, क्वालिटी हर चीज़। तो भाई से मैंने बोला कि कैमरा सेट करने के लिए, कि मैं वो उतनी दूर दिख रहा आपको, वो देखो वहाँ पर जो आंटी बैठी है, वहाँ पे बुला रहा हूँ, वहीं पे बैठ के बात करूँगा, और भाई यहाँ से शूट करेंगे छिप के, पकड़े मत जाना, पूरे ओके वीडियो बनेगी, बिल्कुल सही। चलो तो भाई, चलो फटाफट से अब मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ कहाँ पर है कहानी, एंड बाकी मिलते हैं आपको व्लॉग में। सो गाइज, फाइनली मैं आ चुका हूँ और आरोही भी आ चुकी है। और गाइज, मैंने ना कैमरा भी सेट कर दिया, ठीक है, तो उसको ये नहीं पता कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ये बैठी हुई है देखो यहाँ पे, ये देखो ये नहीं बैठी हुई। सो चलते हैं फटाफट से, थोड़ा सरप्राइज करते हैं, बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। बाकी कैमरा भी सेट है, तो अब मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ। दिख गया यार, कैमरा खोल रखा था, कैमरा क्यों खोल रखा था? कैसे हो? बढ़िया। कैमरा खोल रखा था मैम आपने, तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं पीछे से पता आंखें बंद करने वाला था, फिर पूछता कौन हूँ, बताओ बताओ। लेकिन क्या बोले यार, और बताओ। मैं क्या बताऊँ यार, कितने देर वेट कराया मैंने, 10-5 मिनट नहीं, आधा घंटा हो गया मेरे को। यार जाम लगा था ना, गाड़ी फंस गई थी बीच में, तो इस वजह से टाइम लग गया थोड़ा, सॉरी फॉर दैट। और हमेशा की आदत है ना थोड़ा लेट आने की। राज, आप तो बहुत यार पतले पतले हो गए। यार क्या बोले, लड़की ने निचोड़ दिया है। क्या बोला तूने? यही तो होता है, शादी वादी हो जाती है तो बंदे की थोड़ी शादी भी गली, बुलाया नहीं यार, वो शादी नहीं बर्बादी है वैसे तो एक तरीके से, बात तो सही है। लेकिन बढ़िया तो है, शादी कर ली, अपना मजे करो। बेकार है बहुत, लाइफ बंदी लाइफ चॉप नहीं यार, बहुत ही लाइफ खराब हो गई, क्योंकि पता नहीं था ना कि बाद में लड़की अपना रूप दिखाएगी एंड ये सारी चीजें करेगी। लड़के दूसरों को नहीं, नहीं दूसरों को पता है, दूसरों को क्या लगता है कि दूर की चीज यार कितनी प्यारी है, बढ़िया है, लेकिन जब पास में आते हैं ना तो समझ आता है कि यार खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या यार ये कितना घटिया ये है वो, मतलब मैंने तो सोचा था कि किंजल शायद अच्छी होगी, लेकिन हमारे घर में अच्छी तो है, वो प्यारी सी है यार। फेस पे नहीं होता ना सब कुछ, दिल से भी होना चाहिए। आपको पता है मेरी जो पहले वाली जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, याद है, सबसे पहली वाली, वो कितनी अच्छी थी, चाहे उसका फेस इतना वो नहीं था, लेकिन दिल की तो अच्छी थी ना, ये भी बात है। तो वो वाली बात थी। और आप बताओ, मेरा छोड़ो, मेरा क्या, मेरे को तो पूरी पब्लिक जानती है कि चलो इनका ये चल रहा है, अपना बताओ क्या चल रहा है। सबकी सेट लाइफ है यार, सबका ये चल रहा। क्या हो गया? लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े सब चीज, मतलब किस टॉपिक पर लड़ाई चल रही है, होती रहती है यार, फालतू बातों पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां तुम्हारी की होती है। लेकिन मेरी तो यार बहुत बड़ी बड़ी बातों पे होती लड़ाई, क्या करे, क्योंकि समझ ही नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि यार मुझे ना उससे दूर होना है, सच बताऊं तो किंजल से शादी के बाद दूर होना है, यही तो सीन है, क्योंकि यार रोज लड़ाई, घर में प्रॉब्लम्स, एक होता नहीं कि घर में यार शांति नहीं रह रही, वो वाली चीज है कि घर में शांति नहीं है, लड़ाइयां चलती रहती है। तो उसे बिठा के बात करो ना, दोनों आपस में मिलके यार। कितनी बारी कर लिया ये चीज, मतलब मेन उसका सीन क्या रहता, व्लॉग भी देखे आप, देखा ना, तो मेन उसका क्या सीन रहता, वो अपनी बात को ना गलती कभी मानेगी नहीं, ये सीन है सारा। अब आपने अगर नहीं कुछ करा होता तो फिर मैं देखता आपके साथ कुछ। अच्छा, क्या कर सकते हैं, शादी वादी कर लिया आपने पहले, शादी क्या, शादी कुछ नहीं है, शादी वादी मुझे नहीं लगता शादी वादी। देखो आप लोग, आपने वीडियो देखी है ना,
उसमें उसकी फैमिली कहीं दिखी आपको? नहीं दिखी ना, नहीं। तो अभी उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट ही नहीं करा है, तो क्या फायदा है इसी शादी का? और मैंने मैंने पहले भी पब्लिक से बोला था, मतलब यूट्यूब में, कि शादी में तभी मानूंगा जब उसकी फैमिली और मेरी फैमिली दोनों एक्सेप्ट कर लेगी तब। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, क्योंकि जो शादी फैमिली के साथ होती है ना सामने, वो अलग होती है, और जो हम खुद भी ऐसी शादी करके आते हैं वो बेकार होता है। तो ये चीज है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई अच्छी लड़की लाइफ में आरोही जैसी तो कुछ हो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यार क्या शर्म आ रही है क्या? नहीं। हाँ मुझे पता है आपका बॉयफ्रेंड, अगर आपकी लड़ाई चल रही है तो देख लो, हम मतलब उससे ब्रेकअप वगैरह कर लो, और क्या। मजे ले लो यार, मजे ले यार, हमेशा मजे क्यों लूंगा मैं? मजे लेने के लिए बुलाया मैं तो। अब भाई देखो, पहले सब कुछ खत्म हो गया था, अब मैं वापस चाह रहा हूँ कि वो चीजें जुड़ जाए। मैं भी किंजल से, किंजल को जो डाइवोर्स भी क्या, उसको बोल भी दूंगा ना, चल जाए यहाँ से, चुपचाप चली जाएगी, खत्म कर लूंगा। बोलो आप भी इधर से खत्म करके आओ, मैं भी इधर से खत्म करके आते हूँ, और फिर दोनों नई राह की शुरुआत करते हैं। वाह क्या सीन है। मजाक मत करो यार, मैं वैसे ही सैड हूँ अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा। अरे कोई बात नहीं, लाइफ को बनाने की कोशिश करेंगे ना साथ में मिलके, जब आपकी लाइफ खराब है तो उसको ठीक करेंगे। अब मैं ही बोलता रहूं, आप हाँ ठीक है चलो। नहीं नहीं मतलब, अरे सोचो, अरे मैं ये सोच रही हूँ ना यार कि आप कैसी बातें कर रहे हो, मतलब कि कैसी क्या बात है, अच्छी बात है बिल्कुल। शादी डिवोर्स तोड़ना मजाक तोड़ना है शादी, आप बकवास कर रहे हो। आपको लग रहा है कि शादी मजाक नहीं है, लेकिन आजकल मेरी लाइफ तो मजाक बनी पड़ी है ना। तो वो चीज ठीक है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आप अपना आपस में सोल्यूशन, कुछ तो सोल्यूशन हो गया। आप मेरे से बोल रहे फालतू, हम दोस्त हैं यार, हम तो दोस्त से आगे बढ़ सकते हैं यार। इफ वी थिंक कि चलो राज एक काम करते हैं, मैं छोड़ देते हूँ अपने बॉयफ्रेंड को, और मैं तो रेडी भाई किंजल को छोड़ने के लिए। और बोलो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जब बोलोगे तब छोड़ दूंगा, अभी बोलो कि अभी किंजल को ब्लॉक मार दो। और वैसे भी वो कल से बाहर गई हुई है, पता नहीं कहाँ गई है। मैं कल से बताया नहीं क्या? नहीं, बिना बोले आ गया मैं। यार आप तो बहुत ही बेकार हो गए हो राज यार। मैं बेकार हो गया हूँ? इतना मत सोचो यार आरोही, इतना नहीं सोचते, सीधा हाँ बोलो और दोनों आगे बढ़ते हैं। मैं अभी कभी इसको पागल हो क्या आप? दिमाग दिमाग खराब है क्या आपका? और हाँ मैं व्लॉग भी बना, और मैं व्लॉग भी बनाते हूँ, तो व्लॉग में तो दिखा दूँ। सो गाइस फाइनली अभी हम मिल चुके हैं अपने फेवरेट पर्सन से, जिनको आप लोग बहुत टाइम से जानते होंगे। सो हेयर इज इट। सो मैम ये रही हमारी आरोही मैम, और गाइस हम लोगों ने एक चीज डिसाइड कर ली है यार, हमने नहीं कर लिया है, अब हम दोनों मूव ऑन कर रहे हैं। आरोही अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा हूँ, और हम दोनों अब आगे से बहुत बड़े, मतलब आगे एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे, ऐसा कुछ है ना। देखो हाँ बोल दे लड़की ने, रेडी हैं हम, रेडी हैं, टेंशन मत लो। अब आपको हो क्या, आप बकवास कर रहे हो फालतू। यार आरोही ऐसे नहीं बोलते यार, गलत बात व्लॉग में, और क्या व्लॉग में मत बोला करो ना, अच्छा नहीं लगता। तो बताओ ना क्या करना है, बताओ क्या करना है। सोच लो थोड़ा बहुत, चलो मैं थोड़ा घूम के आऊँ, सोच लो। मेरे को आप पे गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है ना आपसे लड़ाई करूँ। मैं आई थी कि हम दोनों बैठेंगे आराम से, आपस में बातें करेंगे, एक दूसरे की चीजें समझेंगे। दोस्त किस लिए होते हैं यार, ये थोड़ा होता है चलो हम दोनों रिलेशन में आ जाते हैं फिर से ये कर लेते। तो यार देखो आपकी लाइफ भी खराब चल रही है, मेरी लाइफ भी खराब चल रही है, तो सोल्यूशन यही है। नहीं है भाई नहीं है, तुमने तो मेरा भी माइंड डाइवर्ट कर दिया एकदम से, पता नहीं कहाँ किस ट्रिप में पहुँचा दी मैं, अभी सोचने लगी मैं फालतू की चीजें। हो सकता है वैसे बहुत कुछ, नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, सिर्फ आपके एक हाँ पर ना हमारी लाइफ सेट हो सकती है, हो सकती है। अब ठीक है मैं चलती हूँ यार, आपसे तो दोस्ती रखना भी बेकार है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, दोस्ती का रखना बेकार है। मैं अब आऊंगी नहीं कभी, अब नहीं आऊंगी आपके बुलाने से। मैं थिंकिंग वैसी नहीं है जो आप सोच रहे हो, मैंने बस मैं चाह रहा हूँ कि आप ठीक हो जाओ। देख लिया मैंने यार, आपने मेरे को बुला के आपने फालतू चीजें कर दी राज। मैंने क्या फालतू चीजें करी है? मैं नहीं आऊंगी अब, सच बता रही हूँ आपसे। नहीं आओगे मैं तो मैं आ जाऊंगा, आप नहीं आओगे तो मैं आ जाऊंगा। ऐसे कैसे आ जाओगे यार, बकवास कर दो। देखो भाई मैं तो मैंने अपनी दिल की बात कही थी। मेरे पास कॉल भी मत करना, अपना नॉर्मल भी मत करना मेरे पास कॉल, ठीक है। और किंजल को देखो, किंजल को आप किंजल को भी बता के नहीं आए, मैंने सोचा था किंजल को बता के आए यार, ये कौन सी बात होती है, उसे पता लगेगा। एक बात बताओ, उसे पता लगेगा फिर तुम्हारी आपस में लड़ाई होगी, मेरी वजह से लड़ाई होगी, तो मैं तो अब तुम्हारी लाइफ में हूँ नहीं, ठीक है। और मैं चलती हूँ, बाय। अरे ऐसे मत करो, ऐसे छोड़ के मत जाओ यार, मैं आपसे यही बात करने आया था। मेरे पास कॉल मत करना, बस मैं ये कह रही हूँ आपसे ना। अच्छा
ठीक है यार। रवि यार सोचो एक बार, चलो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, सोचो मैं घूम के आता हूँ। अरे नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं, सुनो मेरी बात। अरे सुनो तो, इतनी जल्दी कहाँ है, कहाँ जा रहे हो, ये तो गलत बात है ना, बिना बोले जा रहे हो, मतलब कॉल भी नहीं करूं। सो गाइस बहुत ही बेकार, बहुत ही ज़्यादा प्रैंक हो गया, बहुत तगड़ा हमारे साथ। और सीन क्या है कि मैम चली गई हैं गुस्से में और मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, और कॉल आ रहा है शायद आरोही का ही, तो गाइस उनका ही कॉल आ रहा है। और हाँ हेलो, हेलो क्या हुआ बोलो। अब आज मैं ये बोल रही थी यार, आप कॉल वॉल ना करना मेरे को, ठीक है। क्यों क्या हो गया यार? यार आपने बहुत, ये चीज नहीं होती यार, आपने मेरे को बहुत अपसेट कर दिया आज, मैं नॉर्मल। यार ये गलत बात है यार, आप बिना बोले ना सीधा चले गए, गलत बात है बहुत। मैं ना आपकी नहीं गलत बात, चलो आप बता दो आपकी गलत बात नहीं, बस कॉल मत करना, मैं ये कह रही हूँ। सुनो तो मेरी बात, मैं नहीं चाहती मेरा रिलेशन भी खराब हो आपके चक्कर में और आपका भी हो फालतू में। यार ये कितनी औसम है यार, ठीक है। अच्छा सुनो तो मेरी बात, मिलो। अरे हेलो, बस कॉल मत करना, मैं ये कह रही हूँ आज के बाद। अरे नहीं करूँगा कॉल, बस खुश, ठीक है बाय। अरे सुनो तो मेरी। सो गाइस फाइनली यार प्रैंक बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ा है, लेकिन चलो मैं ये वीडियो जब डालेगी ना तो वो समझ जाएगी कि मैं एक वीडियो कर रहा था। बट जो भी है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहली बात। और अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी और ट्राई करूँगा कि आप लोगों के लिए बड़े बड़े प्रैंक लेके आऊँ। बाकी चलो देखते हैं जो होता है, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।